Namaste. Hope all are doing great. I'm Selina. Today's video is all about my bedroom makeover, जो कि मैं बहुत दिन से plan कर रही थी. And I tried to give a fresh look of my bedroom. और जो भी मैंने decor item यहाँ पे use किया है, mostly सारे मेरी DIYs है, जो कि मैं last कुछ videos में आपके साथ share की हूँ. And in addition, आज की makeover video I will start with another quick DIY जो कि इस makeover में मैं आज use करूँगी. So let's start our video with this quick DIY. हमारे घर में ऐसे पेंटिंग्स बहुत ही कॉमन है. जब ये फेडेड या पुराने हो जाते हैं, हम यूजुअली डिस्पोज कर देते हैं. बट टुडे आई विल शो यू हाउ वी कैन रीयूज दिस ओल्ड पेंटिंग्स एज ए न्यू पेंटिंग्स एंड एज ए न्यू डेकर पीस. सो लेट्स स्टार्ट. Here I am taking a same size of plain paper and I draw a simple painting and I will color this. तो देखा फ्रेंड्स, हमने कैसे ओल्ड फ्रेम को बिल्कुल ही नया बना दिया. इफ़ यू हैव ऑल्सो दिस टाइप ऑफ फ्रेम, देन मस्ट गिव इट ए ट्राई एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. सो नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर रूम मेकओवर. दिस रूम हैज नो सेल्फ, नो वॉलपेपर, जस्ट प्लेन वॉल. और आपका भी अगर रूम ऐसा ही कुछ है या यू आर स्टेइंग इन ए रेंट हाउस, देन दिस इज फॉर यू गाइज, बिकॉज दिस मेकओवर इज गोइंग टू बी ए रेंटल फ्रेंडली मेकओवर. अभी मैं सारे जो पुराने डेकोर आइटम्स थे उसको सब निकाल रही हूँ. और कुछ लगाने से पहले मैं डस्टर से ये वॉल को पूरा क्लीन कर रही हूँ. सो इट्स क्लीन नाउ. अभी मैं मेरी अपनी कुछ वॉल हैंगिंग से, जो कि मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसको यहाँ पे वन बाय वन हैंग करते जाऊँगी. मैं सारे DIY वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की एंडिंग में दे दूँगी. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सी द मेकिंग प्रोसेस. नाउ आई विल पुट दिस टू हैंड पेंटेड फोटो फ्रेम इन बोथ द साइड. इस वॉल को और थोड़ा ब्यूटिफाई करने के लिए मैं ये प्लांटर हैंगर ऐड कर रही हूँ. अभी मेरी वॉल की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, तो मैं अभी जो मेरी फर्नीचर से उसको थोड़ा सा साइन अप करने के लिए कोकोनट ऑयल से इसको क्लीन कर रही हूँ. कोकोनट ऑयल से जो भी आपकी वुडन फर्नीचर से होती है उसमें साइन आ जाती है. फॉर द साइड टेबल हियर आई एम यूजिंग अ कुशन कवर जिसके साइज 16x16 है एंड परफेक्ट फॉर माई साइड टेबल. उसके ऊपर मैं एक प्लेस मैट रखूँगी जो कि लाइट कलर में है, और उसके ऊपर मैं कुछ कुछ अभी आइटम्स रखूँगी फॉर डेकोरेशन. आई
एंड दिस साइड आई विल कीप ए प्लांट ओनली, क्योंकि इसके साइड में मेरी एक रैक है जिसको मुझे डेकोरेट करना है, तो मैं कुछ ज़्यादा वहाँ पे नहीं रखा। सो नाउ आई डेकोरेटेड द रैक, और थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए हियर आई एम यूजिंग दिस स्ट्रिप लाइट जो कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लाई थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल फेरी लाइट जो आती है वो भी इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेड की बैक साइड में थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पे जो नॉर्मल फेरी लाइट आती है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो माय डेकोरेशन इज ऑलमोस्ट डन, नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक ऑफ माय बेडरूम। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई दिस बेडरूम। कोई भी वाल पेपर और वॉल सेल्फ के बिना भी कितना अच्छा लग रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी हमने यहाँ पे डेकोर आइटम रखा है दे आर नॉट फिक्स, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर विश एंड यू कैन टेक इट इन शिफ्टिंग ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, आज का मेकओवर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है देन प्लीज़ गिव ए लाइक टू मोटिवेट मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल होम स्किल लव टू वॉच such more interesting DIY and home decor ideas. So I will be back in next week with another home decoration idea. Till then, bye and take care.